Hey guys, welcome back to the vlog again. Today is 13th December and right now I'm out for a bicycle ride in Sector 46 Gurgaon, and I'm riding a bicycle after a long time. So aaj Sunday hai, so I just thought for doing a short bicycle ride, and मॉर्निंग टाइम में तो फिर भी लोग कहते हैं कि करनी चाहिए. सो इन दिस वीडियो आई विल शो यू सम मॉर्निंग व्यूज ऑफ सेक्टर 46 गुड़गांव. ये सारा सेक्टर 46 का एरिया गुड़गांव में. एंड टुडे इज लिटिल बिट कोल्ड ऑल्सो, वेदर काफ़ी ठंडा है आज. बाकी दिनों से अगर कंपेयर करें तो थोड़ी सी ठंड है ज़्यादा. सो लेट्स मेक अ शॉर्ट व्लॉग ऑफ माई बाइसिकल राइड in Sector 46 Gurgaon. Let's continue the video. So this is the way going towards Huda Market, which is also present in Sector 46 itself. और यहाँ पे हर Saturday एक फलों की, फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की मार्केट लगती है बहुत बड़ी. और ये देखो, उसी का कचरा है ये सारा, और गाय और बैल एंजॉय कर रहे हैं ये कचरा. लेट्स गो. सो ये जो एरिया है मेरे राइट साइड में, यहाँ पे हर सैटरडे बहुत बड़ी मार्केट लगती है फ्रूट्स की एंड वेजिटेबल्स की, बट अभी ये पूरा खाली है. और ये सारी रेडी मार्केट है छोटी छोटी सी, बहुत अच्छी मार्केट है ये हुड्डा की 46 में. यहाँ पे देखो पिजन्स. सो लेट मी शो यू दिस मार्केट फ्रॉम इनसाइड. नाइट टाइम में यहाँ पे बहुत रश होता है और छोटी छोटी रेड़ियाँ भी लगी होती हैं. यहाँ यहाँ सारा भरा होता है ये, बट अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है बिकॉज इट्स अर्ली मॉर्निंग टाइम. यहाँ पे बाटा भी है और सुपरमार्केट भी है, जिम भी है, डॉगी भी मिल जाएगा, एंड स्वीट्स की भी काफ़ी शॉप्स हैं. छोटी सी मार्केट है, बट यहाँ पे नाइट टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है. फुल मार्केट भरी होती है लोगों से, और एटीएम्स भी हैं यहाँ पे. सो यू कैन सी दिस इज हुड्डा मार्केट इन सेक्टर 46 गुड़गांव. वेजिटेबल्स भी हैं फ्रेश, बहुत सारे मिल जाएंगे. So you can see this cute doggies. एक छोटा वाला है, ये पहले वोडाफोन की एड में आया करता था, और एक बड़ा डॉगी. इसका फेस बहुत क्यूट होता है. So the good thing about this area is that you can see very less traffic here, almost ना के बराबर ट्रैफिक है, और साइकिलिंग में मज़ा भी ऐसी जगहों पे आता है जहाँ पे कोई ट्रैफिक ना हो, बिकॉज अगर ट्रैफिक होगा तो आप इरीटेट हो जाओगे, कोई इन्जॉयमेंट नहीं हो पाएगी. सो इट इज़ वेरी लेस क्राउडेड. कुछ डॉगीज हैं जिनसे थोड़ा सा डर लगता है, बट वो भी समझ चुके हैं. बिकॉज पहले क्या होता था कि कोई भी बंदा ऐसे मुंह बंद करके बांध के निकलता था तो डॉगीज को भौंकते रहे, बट अभी आई थिंक डॉगीज को भी पता चल गया कि कोरोना चल रहा है, सो दे कैन अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली.
dude. Morning walk. पीछे बैठ गया. सो यहाँ पे डॉगीज बहुत सारे हैं, बड़े अच्छे हैं, पीछे नहीं भागते. सही है. A few moments later. So now this is the main road which is going towards Medanta Hospital. और यहाँ पे कुछ लोग रोड पे ही रहते हैं. मैं दिखाता हूँ आपको कैसे वो रह रहे हैं ठंड में. So let's see. And you can see morning time में ज़्यादा लोग परवाह नहीं करते सिग्नल्स की, कुछ भी करो. Let's go. A few moments later. So bicycle ride करते करते मैं sector 46 से बाहर आ गया हूँ अभी. This is sector 46 in my right side. And ये रोड जा रहा है Medanta Hospital की तरफ. And now just look at this side. यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतने खुले एरिया में और यहाँ पे कोहरा भी पड़ा है. And you can see how people are living there. ये सारे टेंट हाउसेज हैं छोटे छोटे से. एंड यू कैन सी दीज पीपल. किसी ने आग जलाई हुई है, किसी ने कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. एंड दे आर लिविंग हियर एंड दे आर ऑल्सो प्लेइंग क्रिकेट. एंड यू कैन सी देम, दे आर जस्ट एंजॉइंग इन सीरीज हाउ दे आर सिटिंग देयर. देखो इन लोगों को देख के ना बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है कि कुछ लोग बेचारे ऐसे भी हैं जिनके पास घर भी नहीं है रहने के लिए. एंड ये इनके कपड़े सूख रहे हैं यहाँ पे. एंड यू कैन जस्ट सी दिस एरिया कितना फॉगी है. सो नाउ ये जो चौराहा है हमारे सामने जहाँ पे रेड लाइट दिख रही है, ये बख्तावर चौक है. एंड इसको क्रॉस करने के बाद Medanta हॉस्पिटल आ जाएगा. बट यहाँ से हम टर्न ले लेंगे बिकॉज हमें उधर जाना नहीं है. बिकॉज आगे बस ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, फिर इसके बाद और कुछ नहीं है. वी विल टेक राइट फ्रॉम देयर टू सेक्टर 46 अगेन. लेट्स गो. दिस साइकिल जिसका टायर नहीं है पीछे का, यहाँ पर लोग रह रहे हैं. मैन यहाँ पे कोई मॉर्निंग में परेशान हो चुका है और भौंक रहा है सुबह सुबह गुस्सा. डॉगीज 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 डॉगीज. एंड दिस इज गुड़गांव की सिटी बस जा रही है. एंड यू कैन सी यहाँ पे ग्रीनरी बहुत सारी है. ग्रीनरी इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड वो यहाँ पे बहुत सारी है. देखो यहाँ पे रोड साइड में आपको बहुत सारी ग्रीनरी मिलेगी, पेड़ ही पेड़ है और पत्ते भी हैं. एंड ये देखो यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग सा पेड़ है, येलो येलो. लुक एट दिस अमेजिंग ब्यूटी. और एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ आपको, ये देखो कहाँ पे बैठा हुआ है. हेलो सो दिस इज द आउटर बाउंड्री ऑफ सेक्टर 46. एंड यहाँ इस लेन में इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है कि ये खंभे कहते हैं इन्हें, पता नहीं जो भी कह लो, ये लगा दिए ताकि यहाँ पे कोई कार ना एंटर हो सके. तो काफी अच्छी चीज है बिकॉज कार ही आएंगी तो कोई साइकिलिंग नहीं कर पाएगा यहाँ पे, तो दिक्कत आएगी. और यहाँ पे देखो कितने सारे पिजन्स बैठे हुए हैं ऊपर वायर के ऊपर. सी दिस और
he's sleeping. Hey dude, it's morning time and you are still sleeping. Get up. देखो सूरज भगवान जाग गए हैं एंड गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं. राइड बाइक, व्हाई नॉट बाइसिकल. सो हियर यू कैन सी काफी इंटरेस्टिंग बात लिखी है. आई एम नॉट एडिंग 2020 टू माय एज. आई डिडंट यूज इट. नाइस, काफी अच्छी पेंटिंग बना रखी है यहाँ पे. आई डोंट नो क्या है ये अंदर, बट पेंटिंग्स काफी अच्छी हैं. सो इन माय लेफ्ट साइड देयर इज अ यूनिटेक साइबर पार्क जो अभी दिखाई नहीं दे रही बिकॉज ये पेड़ बहुत सारे हैं यहाँ पे. बट साइबर पार्क है यहाँ पे यूनिटेक की, जहाँ पे कंपनीज हैं उसके अंदर काफी सारी. एंड यू कैन सी जस्ट सी द व्यूज ऑफ दिस ब्यूटिफुल रोड. मॉर्निंग टाइम में राइड करने का बहुत मजा है. आज पता चल रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है. दिस इज माई बाइसिकल. सो गाइज लेट्स एंड दिस व्लॉग हियर. इफ यू लाइक दिस व्लॉग then hit the like button and subscribe to the vlogging engineer. I will see you soon in the next video. Till then, bye bye and take care.